स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाजार के पंडित पे। मैं हूं प्रभास मिश्रा। आज आ गया हूं मैं फिर से एक नया वीडियो लेके। तो बात करेंगे आज यस बैंक की। और यस बैंक पे जैसे कि हम लोगों ने पहले बहुत बैक टू बैक अगर हमने सारे वीडियो देखे जाके यस बैंक पे, तो हम लोगों ने कहा था कि 40 के लेवल्स पे जो भी स्टॉक नहीं उठा रहा है वो दिक्कत में आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे लेवल अच्छे आ रहे हैं और पूरी बात करेंगे। इसके अलावा आज हमारी इंट्राडे की कॉल थी, तो इंट्राडे की कॉल में हम लोगों ने टाटा स्टील की कॉल दी थी जो अपने क्लाइंट्स को दी थी हम लोगों ने, तो 455 का टारगेट दिया था और 455 का टारगेट अगर आप देखेंगे तो अचीव हो चुका है। अगर हम आगे वीडियो बनाएंगे तो आपको उसके पूरे आपको हम लोग क्लिप भी भेजेंगे। इसके अलावा अगर आपको इंट्राडे के लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक चाहिए या फिर डिलीवरी के लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक चाहिए, तो जो भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसे क्या करना है, आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है जीरोधा में, तो देन आपको वो कॉल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज बात करेंगे यस बैंक पे। तो यस बैंक पे देखिए पर्टिकुलर मैं जो बात करना चाहता हूँ वो मैं ये करना चाहता हूँ कि देखिएगा अब यस बैंक ने एक लेवल बनाया था, वो बनाया था आपका 40 का लेवल बनाया था। तो आपको पता होगा कि 40 के लेवल पे लोगों को बहुत प्रेशराइज था कि ये फिर से 29 के लेवल पे जाएगा, 30 के लेवल जाएगा, 35 के लेवल पे जाएगा। बट आप लोगों से बताया गया था कि बैक टू बैक कि अगर आप इस समय एंट्री ले रहे हैं तो 40 का लेवल एक बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये मैंने वीडियो सामने आके बनाया था, मैंने बताया था 40 के लेवल पे यस बैंक बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। फंड रेजिंग की कोई भी न्यूज़ आती है तो इस स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तो उसके बाद से ही देखा होगा कि 40 के बाद इसने 48 पे ओपनिंग करी थी, देन 45 का जैसे ही इंडिया रेटिंग की न्यूज आई थी कल, तो उसके बाद स्टॉक ने बाउंस बैक दिया था। आज स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया, 53 के लेवल्स को भी टचअप किया है। तो आज बात करेंगे कि नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं यस बैंक के लिए। तो देखिएगा सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि आज यस बैंक की सबसे बढ़िया बात ये रही है कि उसने 50 के टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 51 की क्लोजिंग जो दी है यस बैंक ने, ये एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में इसमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है। बट नेक्स्ट लेवल पे इसका रेजिस्टेंस क्या बना हुआ है देखिएगा, 56 का टारगेट, जो 56 का टारगेट है, मैं फिर से बताना चाहूंगा 56 का जो टारगेट है वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है यस बैंक के लिए। अगर यस बैंक उसको ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक में 60 के लेवल देखने को आपको मिलेंगे। बट तब तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 50 का लेवल्स के ऊपर ही यस बैंक की क्लोजिंग होती रहे। और आज अगर आपने नोटिस किया होगा तो यस बैंक में काफी बाइंग भी आई है और डिलीवरेबल क्वांटिटी भी काफी ठीक ठाक देखने को मिली है। तो अगर आप इसमें इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको ये बात याद रखनी है मंडे टारगेट के लिए इंट्राडे में, कि इंट्राडे में आपको ये करना है ये लेवल्स याद रखने हैं। 50 का लेवल ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए और 56 का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ अभी तक नहीं आई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का कोई भी बयान आता है या फिर फंड रेजिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो स्टॉक में अच्छे मोमेंटम आपको फिर से देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ जो लोग इसको होल्ड करके बैठे हैं उसको होल्ड करके बैठे रहें, और जितने भी फ्रेश बायर्स हैं जो इंट्राडे कर रहे हैं वो उन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही इंट्राडे की ट्रेडिंग करें। फर्दर कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करी जाएगी। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।